शालोम अलैकुम। मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है यशायाह की पुस्तक उसका 98:11 जिसमें कहते हैं, यहोवा सदा तुम्हारी अगुवाई करेगा, मरुभूमि में भी वह तेरे मन की प्यास बुझाएगा। यहोवा तेरी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तू एक ऐसे बाग के समान होगा जिसमें पानी की बहुतायत है। तू एक ऐसे जरे के समान होगा जिसमें सदा पानी रहता है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, वो हमें आशीष से भरता है और हमें सदा वो भरपूरी देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सदा अगुवाई करूँगा। यहाँ सदा जो है वो हमें ध्यान देने की चीज़ है। प्रभु हमें सदा अगुवाई करता है, ये नहीं कि जब हम प्रॉब्लम में हो तभी या किसी खास मौके पर ही परमेश्वर हमें अगुवाई देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं सदा तुम्हें अगुवाई करूँगा, बस तुम्हें अगुवाई लेनी है। पर क्या हम हमेशा परमेश्वर की अगुवाई लेते हैं? क्या हम नॉर्मली ये करते हैं, हम हमेशा ऐसे समय में अगुवाई करते हैं जब हम फेल हो जाते हैं या हमारे डिसीजंस फेल हो जाते हैं या हमें जब रास्ता नहीं मिलता तभी? पर हम बाहर जाने से पहले या कुछ नया काम चालू करने से पहले या किसी से मिलने से पहले या प्रभु की सेविकाई से पहले या हमारे घर में कोई काम करने से पहले, इवन खाना बनाने से पहले, क्या हम प्रभु की अगुवाई लेते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें सदा अगुवाई करूँगा। हर चीज़ में हमें अगुवाई की ज़रूरत है। हम अगुवाई तो लेते हैं पर परमेश्वर से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से जिनसे हमें अच्छी बनती है, उन लोगों से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे चाचा मौसा चाचियों से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे बड़े भाई लोगों से अगुवाई तो हम लेते ही है, क्योंकि अगुवाई की ज़रूरत हमें हमेशा होती है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है कि जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जो हमें सही मायनों में गाइड कर पाए, जो सही रास्ता दिखा पाए। परमेश्वर से ज़्यादा बेहतर और कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता। परमेश्वर के पास हम हमेशा रह सकते हैं। सुबह उठे तब भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए कि हमें आज के दिन में परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। बाहर जाने से पहले हम परमेश्वर की अगुवाई ले, कुछ भी शॉपिंग करने से पहले हम परमेश्वर की अगुवाई ले, किसी भी रिश्ते को बांधने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, किसी नए लोगों से मिलने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, वचन को देने से पहले परमेश्वर की अगुवाई ले, इवन परमेश्वर की सेवा के लिए हम जब जाते उससे पहले अगुवाई ले कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, हमें कौन सी सेवा करनी है, वचन की सेवा करनी है, सेवक बन के सेवा करनी है, हमें प्रबोध करना है या हमें चमत्कार करना है, परमेश्वर अगुवाई करे हमें कौन सा काम करना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मरुभूमि में हमेशा तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। इसराइल के लोग जब मरुभूमि में थे तो परमेश्वर ने उनको खाना दिया, उनको पानी दिया, उनकी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, जैसे उनकी अगुवाई भी करी, बादल बन के उनको दिन में अगुवाई करी, रात को अग्नि बन के उनकी अगुवाई करी, और जब भी उनको खाने की ज़रूरत होती तो परमेश्वर उनको खाना देता था, उनको कुछ नहीं करना होता था, खाना परमेश्वर खुद उनको देता था, उनको ना शिकार पे जाना था, ना कुछ पकाना था, ना कुछ बनाना था, परमेश्वर खुद उनको खाना देता था और वो खाना वो सीधा खा सकते थे। खाना नहीं था तो परमेश्वर ने जब खाना दिया तो वो ऐसा नहीं था कि बहुत लजीज हो। कई इसराइलियों को ये तकलीफ थी कि वो लजीज खाना नहीं था, जैसा मिस्र में मिलता था उस तरह का खाना नहीं था, पर जितने लोगों ने परमेश्वर का शुक्रिया करके उस खाने को खाया उनको बहुत तृप्ति हुई। आज हम जहाँ भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे टेस्ट का खाना हो वही हमें मिले। सेविकाई में लोग जाते हैं तो सब जगह एक जैसा खाना नहीं होता है, सबके घरों में एक जैसी लजीज खाना नहीं मिलता है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, वो अपनी शक्ति के हिसाब से हमारे लिए खाना बनाते हैं, पर जब हम उस पे परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो वो खाना हमें बड़े तृप्त करता है, तब उस खाने का टेस्ट हमारे लिए बहुत लजीज हो जाता है और परमेश्वर हमें ऐसे में तृप्ति देता है। सूखा रोटी भी हो फिर भी उसमें से हमें तृप्ति मिलेगी क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमने उसमें चाही है। परमेश्वर जहाँ भी उनको पानी नहीं था, मरुभूमि में परमेश्वर ने खड़क में से पानी उनके लिए निकाल के दिया। हमारा परमेश्वर महान है। मरुभूमि में कभी पानी नहीं निकल सकता, बाग बगीचे मरुभूमि में नहीं हो सकते। जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ दूर दूर तक हमें कोई पेड़ नहीं दिखा, कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, रेत होती है, धूप होती है, गर्मी होती है। परमेश्वर यहाँ हमें कहता है, जब तुम रेगिस्तान में होंगे, जब तुम मरुभूमि में होगे, जंगल में होंगे, वहाँ मैं तुमको तृप्ति दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बाग बनाऊंगा कि जहाँ पानी की बहुतायत है। हमारे भाइयों, जब हम खेतों में जाते हैं तो खेतों में पानी कभी कभी डालना पड़ता है या एक साथ डालना पड़ता है, जब बागीचा होता है
उसमें दिन में शायद 2 बार डालना पड़ता है या हर रोज डालना पड़ता है, जिससे वो हमेशा हरा भरा रहे, उसमें अलग अलग फूल आए और अलग अलग पौधे लगे, हरियाली हमेशा रहे। जब हम बहुत टेंशन में होते, थक गए होते ट्रैफिक से, शहरों से, लोगों से, जब थक जाते तब हम इस तरह के बागीचे में बैठने क्यों जाते हैं कि जहाँ पे थोड़ी शांति मिलती है, हमें हमारा मन जो है वो फ्रेश हो जाता है, हमारा बॉडी फ्रेश हो जाता है, नई सांस मिलती है और हम पूरे ही रिलैक्स हो जाते हैं, सारा टेंशन दूर हो जाता है, अच्छी सांस होती है वहाँ पे, अच्छी हवा होती है। परमेश्वर हमें ऐसा बागीचा बनाया है, लोग हमारे पास जब आएंगे तो हमसे वो भी शांति पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें सदा हरा भरा रखूंगा, वो सदा हमें हरा भरा रखेंगे, चाहे हमारे आसपास के जहान में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी टेंशन हो। आज लोग रेगिस्तान की तरह ही है हमारा जगत, जहाँ पाप है, दुष्टता है, हर जगह स्वार्थी लोग हैं, हर तरफ बेईमानी है, हर तरफ स्कैम्स है। ये मरुभूमि नहीं तो और क्या है? ऐसी मरुभूमि में हम रहते हैं, पर परमेश्वर हमें हमेशा हरा भरा रखता है, हमेशा फ्रेश रखता है, हमेशा ताज़ा रखता है, जहाँ पे ताज़ी सांस आती है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो हमसे तृप्ति पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना खत्म होने वाले जरे की माफिक बनाऊंगा। वो पानी का जरा वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, हमेशा बहता रहता है, पर वो दूसरे लोगों को तृप्ति देता है। हम भी आज हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हम लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं उसके द्वारा, जहाँ झगड़े हो वहाँ सिलह करवाते हैं उसके द्वारा, हम लोगों के बीच में जहाँ तकलीफ है, जहाँ लोग पापों में फंसे हुए हैं, वहाँ हम जाके उनसे बात करके जब परमेश्वर का सुसमाचार उनको देते हैं, तब उनको तृप्ति मिलती है, तब वो पापों से बाहर आ सकते हैं, तब उनमें सिलह होती है, तब उनका जीवन में शांति आती है। परमेश्वर ने हमें उस जरे की माफिक बनाया है, सदा बहता रहता है, सदा नया पानी देता है, सदा ताज़ा पानी देता है। लोग जब भी हमारे आसपास आते हैं, हमसे मिलते हैं, तब वो हमसे तृप्ति पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो जरा बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। व्यवस्था विवरण 32:10 में कहता है कि उसने उसको मरुभूमि में और सुनसान और गरजने वाले से भरे हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसको चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हम जहां भी होंगे, कितनी भी बुरी कंडीशन में होंगे, सब लोग परेशान होंगे, पर हमारे दिल में शांति होगी। परमेश्वर का आत्मा हमें शांति से भर के रखेगा, क्योंकि हमारी अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें कहीं भी फंसने नहीं देगा, पर जहां भी हम होंगे वहां हरे भरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की तरह हमें संभालता है। आइए हम परमेश्वर की अगुवाई के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु हम खुद को आपके चरणों में रख देते हैं। हम जहाँ भी जाए सबसे पहले आपकी अगुवाई चाहे, कुछ भी करने से पहले हम आपकी अगुवाई को मांगे, ऐसा होने दो प्रभु। हमारे जहन में प्रभु हमेशा आप रहो, हम खुद पे भरोसा ना करें, परंतु सर्वदा आपकी अगुवाई के लिए चाहे प्रभु। हमारे मनों को आप नम्र करो, हम खुद को तोड़ के प्रभु आपके चरणों में रहना सीखे, इसके लिए आपकी कृपा होने दो प्रभु, यीशु के नाम से आमीन।